अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए लोग पूरे देश में यूनिवर्सिटी के संस्थापक के लिए सर सैयद डे मनाया। मोतिहारी में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहिबुल हक और गुलरेज सदाद ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने देश के सभी राज्यों को एक लेटर जारी कर यह सिफारिश किया है कि राज्यों में चल रहे मदरसों में सरकार द्वारा दिए जा रहे फंडिंग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसे लेकर आयोग की प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने यह लेटर जारी किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा जोर पकड़ लिया है। और इसी को लेकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लेटर जारी करने वाले अनपढ़ हैं और उनका दिमाग ठीक नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि मदरसे में भी मदर टंग में यानी सभी भाषाओं में पढ़ाई हो रही है, इसलिए वैसी बातों का कोई मतलब नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री व नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और इसीलिए सर सैयद ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर जो बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं उन सबका भी सम्मान किया गया। अब उनको मालूम ही नहीं है, वो अनपढ़ आदमी है जिन्होंने इस तरह का सिफारिश किया है। मदरसों के अंदर जो बच्चों की तालीम होती है वो बहुत सारे स्कूलों से अच्छी होती है, नंबर वन। नंबर टू, उर्दू मीडियम से आपको पता है कि आपने जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर आपको जो तालीम है, शिक्षा है, इनिशियल एजुकेशन, वो आपको मदर टंग में देनी है। तो अगर मदरसे के अंदर उर्दू में पढ़ाई जा रही है चीज़ें, लेकिन उसके अंदर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? और जो इस तरह की बात करते हैं उनके दिमागी तौर से वो बीमार लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं। सर सैयद डे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो जिन्होंने बुनियाद डाली थी, शुरू में वो MAO कॉलेज बना, बाद में चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, ये सर सैयद अहमद खान की देन थी। तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं, तिहारे में ये मनाया गया। सर सैयद अहमद जे एजुकेशन के हब माने जाते हैं, आइकॉन माने जाते हैं। इससे प्रेरणा, अभी के बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए और अपने ज़िंदगी में जब तक एजुकेशन नहीं हम लाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो वे अपने सारे टीम को सर सैयद अहमद जी के आज डे पे सभी टीम को मैं बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम के मौके पर हम यहां के बच्चों से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बन करके दिखाएं।